महा कार्टून टीवी। बहुत समय पहले किसी जंगल में बहुत से जानवर रहते थे। उसी जंगल में चार बंदरों का एक झुंड भी रहता था। चारों बंदर बहुत शैतान थे। वो दूसरे जानवरों को बहुत तंग किया करते थे। हाथी भाई, जल्दी भागो, शेर ने कहा है कि आज वो नाश्ते में एक हाथी खाएगा। क्या? हाँ, तुम जल्दी से जंगल छोड़कर भाग जाओ। एक दिन उस जंगल से एक चुड़ैल गुजर रही थी, तभी बंदरों के झुंड की नजर उस पर पड़ी। उसे देखकर एक बंदर ने कहा, चलो दोस्तों, आज इस चुड़ैल को डराते हैं। लेकिन ये चुड़ैल तो बहुत शक्तिशाली लगती है, कहीं ये हमें जादू से मार ना दे। मारेगी तब ना, जब इसे पता चलेगा कि हमने इसे डराया है। इस पर चारों बंदर हंसने लगे। फिर सभी बंदर अलग अलग पेड़ पर चढ़ गए, और जैसे ही चुड़ैल उनके पास से गुजरने लगी, बंदर जोर जोर से पेड़ की टहनियां हिलाकर डरावनी आवाजें करने लगे। कौन है, कौन है वहाँ, सामने आओ। चुड़ैल डरकर यहाँ वहाँ भागने लगी। जब वो एक पेड़ से बचकर दूसरे पेड़ के पास जाती, तो दूसरा पेड़ भी जोर जोर से हिलकर डरावनी आवाजें करने लगता। और जब वो डरकर तीसरे पेड़ के पास जाती, तो तीसरा पेड़ भी ऐसा ही करता। इससे चुड़ैल बहुत डर गई और वहीं जमीन पर बैठकर रोने लगी। भूत, भूत, ओ, भूत। उसे रोता देख सभी बंदर वहां से भागने लगे। तभी चुड़ैल ने भागते हुए एक बंदर की पूंछ देख ली। वो समझ गई कि इस सब के पीछे कोई भूत नहीं बल्कि एक बंदर है, और वो गुस्से से बोली, जिन बंदरों ने मुझे डराया है वो जल्दी से सामने आओ, नहीं तो इसका फल पूरे जंगल को भुगतना पड़ेगा। लेकिन बंदर सामने नहीं आए। इस पर चुड़ैल चिल्लाकर बोली, अगर मेरे तीन गिनने तक तुम सामने नहीं आए तो मैं जंगल के सभी जानवरों को बंदर बना दूंगी। एक, दो और तीन। उसके तीन गिनने पर भी कोई बंदर सामने नहीं आया, तो चुड़ैल ने अपनी छड़ी उठाई और बोली, पोशंपा भाई पोशंपा, आज जंगल में क्या हुआ, बंदरों ने मुझे डराया, फिर डर कर कोई सामने ना आया, अब उनको सामने आना पड़ेगा, नहीं तो सबको बंदर बन जाना पड़ेगा। चुड़ैल ने छड़ी घुमाकर आसमान की तरफ कर दी। आसमान से एक बिजली कड़कती हुई जंगल पर आ गिरी, और देखते ही देखते जंगल के सभी जानवर, शेर, चीता, भालू, सांप, सभी बंदर बन गए। अब ये जादू तभी खत्म होगा जब गुनेगार बंदर आकर मुझसे माफी मांगेंगे, नहीं तो सभी जानवरों को ऐसे ही रहना पड़ेगा। ये कहकर चुड़ैल वहां से चली गई। जंगल के सभी जानवर आपस में बात करने लगे, मैं तो शेर हुआ करता था, मैं बंदर की तरह नहीं रह सकता। तुम शेर थे तो मैं कौन सा असली बंदर हूँ, मैं भी हाथी हुआ करता था। ये सब इन बंदरों की वजह से हुआ है। अरे भाई, मुझे क्यों कुछ कह रहे हो, मैं भी तो पहले गधा हुआ करता था। ढैचो ढैचो, हमें जल्द से जल्द उन गुनाहगार बंदरों को ढूंढना होगा, नहीं तो हमें हमेशा के लिए ऐसे बंदर बनकर रहना पड़ेगा। जानवरों ने गुनाहगार बंदरों को ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन इतने सारे बंदरों में उन चार बंदरों को ढूंढना बहुत मुश्किल था। दूसरी तरफ चारों गुनेगार बंदर बहुत खुश थे। हा हा हा, इतने मजे कभी नहीं आए, अपने एक मजाक से हमने पूरे जंगल को बंदर बना दिया, कहीं हम पकड़े ना जाएं। हम चारों के अलावा ये सच कोई नहीं जानता, इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उन्हें पता लग गया तो? किसी को कुछ पता नहीं लगेगा। ऐसे ही बहुत दिन बीत गए। अचानक हुए इस बदलाव की वजह से सभी जानवर बहुत बीमार रहने लगे। एक दिन एक बंदर गुनेगार बंदरों के झुंड के पास आया और बोला, मैं जानता हूँ वो चारों गुनेगार बंदर तुम ही हो, मुझे ये सब ऐसे पता चला क्योंकि बंदर बनकर सभी जानवर बीमार हैं,
लेकिन तुम चारों पर इसका कोई असर नहीं दिख रहा। मैं चाहूँ तो जंगल के जानवरों को तुम्हारे बारे में बता सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ। तुम कल सुबह ही उस चुड़ैल से माफी मांग लेना, नहीं तो मैं सभी जानवरों को तुम्हारा सच बता दूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला गया, लेकिन गुनेगार बंदरों को उनकी बात समझ आ चुकी थी। अगली सुबह ही वो चारों चुड़ैल के पास गए और रोते हुए बोले, हमें माफ कर दीजिए, हम तो बस आपके साथ छोटा सा मजाक कर रहे थे। आप जंगल के जानवरों से अपना जादू हटा लीजिए। हम आज के बाद किसी के साथ ऐसा मजाक नहीं करेंगे। उन चारों की आंखों में आंसू देख चुड़ैल हंसते हुए बोली, वो जादू तो खत्म हो चुका है। क्या मतलब? मतलब हर चुड़ैल बुरी नहीं होती। मैंने तो जादू करते वक्त ही कहा था, जब गुनहगार माफी मांग लेंगे तो ये जादू अपने आप खत्म हो जाएगा। अब रोना बंद करो, तुम्हारे माफी मांगते ही वो जादू खत्म हो चुका है। चारों बंदर ये सुनकर बहुत खुश हुए। वो जंगल लौट आए, उन्होंने देखा कि जंगल में सब कुछ पहले जैसा हो गया था। सब जानवर अपने असली रूप में आ चुके थे। ये देखकर वो बहुत खुश हुए और उन्होंने अपने आप से वादा किया, हम फिर कभी किसी को तंग नहीं करेंगे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी कभी हमारे छोटे से मजाक से भी किसी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए हमें कुछ भी करने से पहले अच्छे से सोच विचार कर लेना चाहिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।